दोस्तों स्वागत है आपका जीएस फॉर ऑल में। दोस्तों जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और अभी डेट शीट वगैरह की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आपकी डेट शीट है वो आ जाएगी 20 तक, आप उसका इंतज़ार करते रहें और पेपर न्यूज़ पेपर भी पढ़ते रहें और कॉलेज से भी अपने संपर्क में रहें और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की साइट भी चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिले और सूचना पाने में सबसे आगे रहें। ठीक है दोस्तों, आप बात करेंगे कि एग्ज़ाम में पास होने का फंडा। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको नोट बताया था कि आपको किस किस के मॉडल ख़रीदने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपने अगर पहले से पढ़ाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अच्छा करेंगे ये एग्ज़ाम में। लेकिन लास्ट टाइम में क्या किया जाए उसके लिए मैंने कुछ मॉडल बताए थे आपको, तो आप लोगों ने वो ख़रीद लिए होंगे और कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कुमार के मॉडल ले लें। अरे आप किसी एक का भी ले लो, आपके पास मॉडल होना चाहिए किसी एक का और उसमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो आप मॉडल लेंगे वो कम से कम आप एक ले लें। और उसको मैंने बताया था उस तरीके से, आप मेरी एक वीडियो है वो इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है वो मॉडल। अब मैं बताऊंगा कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस टाइप का लिखना है और किस टाइप से करना है और पहले आप क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम में पास हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तो वीडियो पर। जैसे कि दोस्तों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है, चाहे बी ए का हो, चाहे बी एस सी का हो, चाहे एम ए, चाहे एम एस सी, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको पेपर जो होगा, अब कुछ इस बार यूनिवर्सिटी ने ओ एम आर बेस्ड पेपर कर दिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सामने नीचे लिखा है OMR बेस्ड पेपर कर दिए हैं। सबसे पहले इसी की बात करूँगा, इसमें क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 6 आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है। तो उसके लिए क्या होगा, आप जो मॉडल ख़रीदेंगे तो वो मॉडल पर ही साफ लिखा होगा कि ये OMR बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली बहुविकल्पी याद कर लेने हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ गोले भरने हैं, OMR में आपको गोले भरने हैं, ठीक है। उसके लिए आप वो पढ़ते रहें, याद करते रहें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है उससे ज़्यादा। आप जितने भी मॉडल में क्वेश्चन दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें और लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वही आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही आएंगे और वो फंस जाते हैं आपके। 10-20 क्वेश्चन होंगे जो नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी आप 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन करते हैं तो भी आपका 60-70% हो जाता है, और जिसमें 50 क्वेश्चन है उसमें आपने 30-35 भी किए तो भी आपका 70-75% आराम से बनता है। अब बात करेंगे जो लिखने वाले पेपर आते हैं, ये तीन हैं, 1, 2, 3, इन पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का तीन पार्ट में पेपर आता है। एक पार्ट उसका होता है ए जो भाग होता है, ए पार्ट वो होता है बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और उसका बी पार्ट होता है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, अति लघु उत्तरी, ठीक है, और सी पार्ट होता है उसमें होता है लॉन्ग आंसर टाइप, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं। उसमें जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं तो होता क्या है कि जो शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम में ज़्यादातर 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 15 भी हो सकते हैं, वैसे 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो किसी में वो एग्ज़ाम में एक नंबर का होता है तो किसी में 2 नंबर का होता है, उसमें आपको किसी ने कुछ नहीं, सिंपल 4 विकल्प दिए होंगे उसमें से आपको वो लिखने होते हैं, ठीक है। कॉपी में आपको डायरेक्ट आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर का नंबर डाल के और आंसर नंबर लिख के उसका कौन सा ऑप्शन सही है और उसका नाम लिख दें, ये सही है, ठीक है। ये तो हो गई बहुविकल्पी की बात, ये तो आप याद करके लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में कम से कम आपको 5 क्वेश्चन देता है, वो 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, देता तो ज़्यादा है, आपको छूट देता है कि इनमें से 5 क्वेश्चन कम से कम करिए, 5 या 8, किसी में 8 देगा तो किसी में 5 देगा। उसमें क्या होता है, आपको 100 से करीब 200 वर्ड में लिखना होता है, किसी में 50 से 100 वर्ड लिखने होंगे, किसी में 100 से 200 वर्ड लिखने होंगे, ठीक है। तो वो 5 या 8 क्वेश्चन आएंगे, और जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको किसी एग्ज़ाम में 3 होते हैं, 3 करने होते हैं, किसी में 5 करने होते हैं, ठीक है। और आपको छूट भी देता है, जैसे 8 क्वेश्चन देगा तो उसमें लिखा होगा निम्न में से 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए या निम्न में से 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको वहाँ चॉइस बढ़ जाती है। अब ये 3 पार्ट के क्वेश्चन हैं, इनको तैयार करने के लिए जो आप मॉडल लिया है आपने उनको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बता दूँ आपको। आप अभी एग्ज़ाम आज 11 तारीख हुई है, आपके पास अभी कम से कम 20 से 25 दिन हैं, ठीक है। 20-25 दिन में आप क्या करिए, सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़िए, मॉडल में जितने भी हैं उनको लगभग आप याद करने की पूरी कोशिश कर लीजिए, उनको याद करिए बस। आप जब उनको याद कर लेंगे और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता जाए, जैसे एग्ज़ाम में 5 दिन बचे हैं, तो उस
5 दिन पहले फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। अब जब एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हैं उसके बाद बहुविकल्पी पढ़िए, ठीक है। तो इससे होगा क्या आपका फ़ायदा, जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी टाइम आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका तैयार हो जाता है। क्योंकि जैसे किसी में क्वेश्चन आया शिक्षा के रूप लिखिए और शिक्षा के प्रकार बताइए या शिक्षा पे निबंध लिखिए, कुछ भी आया, तो होगा क्या लॉन्ग आंसर टाइप में जब ये शिक्षा पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो उसमें बस शिक्षा के प्रकार पूछ लेगा, उस पर निबंध नहीं लिख पाएगा, प्रकार पूछ लेगा। तो अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइम में अगर शिक्षा का पूरा सब कुछ पढ़ रखा है तो शॉर्ट आंसर में उसका कोई छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा जो आपको पहले से तैयार है। और बहुविकल्पी में जब क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इसी से लिंक करके पूछा जाएगा, तो आप इसी से इसका उत्तर देने में लगभग 70-80% समर्थ होंगे। और जो आप एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक इन्हें तैयार करते रहेंगे यही आपको एग्ज़ाम में पास होने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है। और लास्ट टाइम जब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे 5 दिन पहले एग्ज़ाम से या 7 दिन पहले, तो ये आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का रिवीजन भी करा देंगे। क्योंकि छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे उसमें तो आपको डिटेल भी याद आने लगेगी कि मैंने ये लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ा है। और लास्ट में जब जाके आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये शॉर्ट में पढ़ा है और इसका आंसर ये है, और लॉन्ग में पढ़ा है इसका आंसर ये है। तो ये पास होने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है अगर आपका लास्ट टाइम में पास होना चाहते हैं। क्योंकि नकल वगैरह तो उम्मीद मत करिए, नकल तो होनी नहीं है। तो आपके पास यही तरीका है, अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, पूरी साल मेहनत करी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप मॉडल से रिवीजन कर लें अपना, और जिन लोगों ने नहीं कर पाई किसी कारण बस, वो लॉन्ग आंसर पे पहले फोकस करें। और होता क्या है एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर ही सबसे बड़ा प्रश्न आपको नंबर देता है, क्योंकि ये 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का भी हो सकता है। अगर इसमें आपने लिख दिया तो ये आपको 10 नंबर, 20 में से 10 नंबर, 15 नंबर देगा। अगर 5 क्वेश्चन भी आए या 3 क्वेश्चन लिखने हुए तो आपको 15 कम से कम 10-10 नंबर मिले तो 30 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको। और ये भी होंगे, इनसे इनका भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी हालत में कि आपने लॉन्ग आंसर पढ़े हो और उसमें से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे ना फंसे, सीधे सीधे लॉन्ग आंसर से ही आपके ऑब्जेक्टिव फंस जाएंगे। और 2-3 पे आप धुक्का भी मार सकते हैं, 1-2 रह जाए गलत तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की उम्मीद में रहेंगे अगर आप ये करते हैं, ये फार्मूला अपनाते हैं, ये आप फार्मूला अपनाइए। और दोस्तों एक जानकारी दे दूँ, जब आप जैसे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जैसे जब मॉडल पढ़ेंगे तो आपने देखा है किसी किसी का फिगर बना होता है। जैसे अगर बीएससी की बायो की बात करें तो उसमें फिगर होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ होते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, फिगर भी कहीं ना कहीं आते हैं। बीएमए जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप बना सकते हैं फिगर, कोई ना कोई मैप बना सकते हैं कुछ ना कुछ। अगर आंसर में कोई ऐसा आ रहा है और जिसमें फिगर बनने की कोई छोटी सी भी उम्मीद है अगर आपके सामने, बड़ी है तो बना नहीं बनाना है, और छोटी सी भी उम्मीद अगर आपके सामने फिगर बनाने की है तो आप फटाफट से कैसा भी बने बना देना फिगर। अगर आपने फिगर बना दिया और आंसर में बेशक 300 शब्द लिखने थे, 300 की जगह आप 100 ही लिख पाए, तो आप समझ लीजिए जिसने 300 लिखे उससे आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा समझ जाता है, जब फिगर कोई बनाता है तो पूरी कहानी उसी में आ जाती है, फिर तो लिखना तो एक डिफाइन करना रह जाता है। तो एग्जामिनर समझ जाता है जब बच्चे ने फिगर बनाया है तो इसके दिमाग में पहले से इसके बारे में ये जानता है। अगर फिगर बनाया है, फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मौका मिले कहीं भी आपको, अगर लग रहा है छोटा सा भी कहीं मौका है तो फटाफट से फिगर बनाइए, उसमें कोई शर्माना नहीं है कि फिगर मेरा गलत बनेगा, टेढ़ा बनेगा, वो छोड़ दीजिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपना सोचिए दूसरा कितना अच्छा बनाएगा या नहीं बना पाएगा, आप अपन आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास आपकी जाएगी, तो आप अपने बारे में सोचिए। मौका मिले फिगर बनाने का, फिगर बनाने से मत चूकना, चाहे आप आर्ट साइड से हों, चाहे साइंस से हों, चाहे आप कॉमर्स में हों, कहीं भी कोई ग्राफ फिगर कैसा भी बनने की उम्मीद है तो उसको फटाफट बना देना, उल्टा सीधा जैसा बने, चाहे उसमें कम लिख पाना पर फिगर बनाना, ये आपके लिए एग्ज़ाम में मार्क्स ऊपर लाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपने अगर किसी पेपर में 2 या 3 फिगर बना दिए तो आप ये मान के चलिए आपके उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर ज़्यादा आएंगे थ्योरी के मुकाबले। अगर आप थ्योरी थ्योरी लिखते हैं तो अगर 100 नंबर का पेपर अगर आपके उसमें 50 आते हैं तो आप फिगर अगर आपने किसी क्वेश्चन बना दिया है तो आप उसमें 55 से 60 नंबर
लाने की उम्मीद में आपको पक्का मिलेगा। अगर आप 60 नंबर का थ्योरी लिख दिया है और फिगर भी बना दिया है तो 65-70 नंबर आपके फिक्स हैं। तो आप अभी दीर्घ उत्तरी पे लॉन्ग आंसर टाइप पे पूरा फोकस करिए 25 तारीख तक। 25 के बाद आप शॉर्ट आंसर पे आ जाइए और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके मॉडल में 2 या 3 पेज में होंगे, टोटल आगे पीछे पेज मिला के 6 पेज हो सकते हैं, 5 पेज हो सकते हैं। आपके 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, वो आप 2-3 दिन लगातार पढ़ते रहिए एग्ज़ाम से पहले। वो आपको पहले आप जब लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे तो आपका इनका तैयार हो जाएगा, जब ये पढ़ेंगे तो ये तैयार हो जाएगा, फिर उल्टा चलेगा रिवर्स। जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो आपको इनकी याद आएगी, और जब आप फिर शॉर्ट पढ़ेंगे तो इनकी याद आएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप इसे फॉलो करते रहें और सफलता सुनिश्चित है। और OMR में तो आप सिर्फ आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं मॉडल में आप उतने ही तैयार कर ले जाएं, आपको 60 से 70% लाने में उसमें तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ कोई थ्योरी तो है नहीं, नंबर कटने वाले नहीं हैं। आपका आंसर सही है तो आपका नंबर पूरा पूरा मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप 70-80 करते हैं तो फिर आपका पूरा 70-80 नंबर आएगा। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में आप 30-40 करते हैं, 30-40 नंबर आएंगे। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल रट के जाएँ, रटने के अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। वहाँ जाके कोई फिगर और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका क्वेश्चन आएगा और 4 विकल्प आपके सामने होंगे, उनमें से कोई किसी को चुनना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन साथ में दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।